बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एसएस फूड किचन में खुश आमदीद। मैं आज आपके लिए बेसन वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो लेट्स गो व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। पालक ब्रीक कटी हुई आधा बॉल, बेसन एक बॉल, प्याज दरमियाना साइज़ एक, आलू एक दरमियाना साइज़ चॉप शक्ल में कटा हुआ, सुर्ख मिर्च लाल कुटी हुई एक बड़ा चम्मच भर कर, धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, हरी मिर्च दो से तीन अदद बारीक कटी हुई, चाट मसाला एक टेबलस्पून, काली मिर्च एक टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर एक टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट एक टेबलस्पून, नमक हसबे ज़ायका और नान। तो व्यूअर्स, बेसन वाले नान जब भी बनाने हों तो तनूर से हमेशा थोड़े से कच्चे नान लीजिएगा। व्यूअर्स, अब हम बेसन वाले नान बनाने का मिक्सर तैयार करते हैं। बेसन डाल दिया, इसमें आलू ऐड करें, पालक, प्याज और जो बाकी स्पाइसेस मैंने बताए थे वो सब इसमें ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च, कुछ धनिए का पाउडर, चाट मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, कुछ धनिया पाउडर। सॉरी व्यूअर्स, ज़ीरा पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखें कि ये मिक्सचर हमें थोड़ा सा सख्त वाला बनाना है, ताकि मिक्सचर नान पे लगा के जब हम फ्राई करें तो ये नान से उतर ना जाए। व्यूअर्स, हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, अब हम इसको नान पे लगाते हैं। नान पे लगाने के 5 मिनट बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम नान पे लगाते हैं मिक्सर को। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कितना टाइट मिक्सर बनाया है, आप भी ऐसा ही बनाइएगा फिर भी आपके नान अच्छे बनेंगे। व्यूअर्स, हमारे नान को मिक्सर लगाए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। और व्यूअर्स, इस बात का ख्याल रखें कि नान को मुखालिफ साइड पे करना है, जिस साइड पे हमने मिक्सर लगाया कढ़ाई में उस साइड पे ही हमने डालना है। और जब हम नान को डालें, हमारा घी या ऑयल फुल गर्म हो चुका हो। अब फ्लेम को थोड़ी देर हाई पे कर दें ताकि हमारा मिक्सचर मत उतर जाए। व्यूअर्स, इसको इसमें डालते हमें 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करके देखते हैं। दो मिनट के बाद आप फ्लेम को लो पर कर दें ताकि आराम से हमारा नान बनता रहे, इसका बेसन कच्चा ना रहे अंदर से। ठीक, अब इसकी हम साइड चेंज करते हैं। नए व्यूअर्स, मेरी आज की रेसिपी तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।